अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद वकील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुर्शद इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, आज की वीडियो में एफस्टार 76 डिग्री सी बैंड सैटेलाइट पर दो नए चैनल्स के बारे में आज की डिटेल है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों की गुजारिश है कि आपने अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगी बेल के आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। सैटेलाइट्स की तरह एफस्टार 76 डिग्री सी बैंड सैटेलाइट पर भी इस वक्त काफ़ी सारी नई तब्दीलियां जो है वो हो रही हैं। एक वक्त था जब एफस्टार 76 डिग्री सी बैंड सैटेलाइट पर कोई भी पाकिस्तानी चैनल जो है वो नहीं था और ये सैटेलाइट सिर्फ AXN पैकेज की वजह से ही पहचानी जाती थी। अब इस पर काफ़ी सारे नए चैनल जो है पाकिस्तानी चैनल को ऐड हो चुके हैं और ये काफ़ी एक ज़बरदस्त सैटेलाइट जो है वो बन चुकी है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको इस पर ऐड होने वाले दो नए चैनल जो पाकिस्तानी नए चैनल इस पर ऐड होने वाले हैं उसके बारे में डिटेल देने वाला हूं। उससे पहले आप जाके चैनल लिस्ट जो है वो देख लें कि आज के डेट में कौन कौन से चैनल इस सैटेलाइट पर चल रहे हैं। एफस्टार 76 डिग्री सी बैंड सैटेलाइट पर इस वक्त दो नए चैनल लॉन्च करने की तैयारियां की जा रही हैं। स्टार मीडिया ग्रुप ने दो नए चैनल जो है वो ऐड करने का ऐलान कर रखा है और इस सिलसिले में NOC जो है वो हासिल करने के लिए कोशिशें जारी हैं। दोस्तों, ये चैनल कौन से हैं, किस नाम से ऐड होंगे और इनका कॉन्टेंट क्या होगा इसके बारे में हमें अभी तक जो है वो इत्तला नहीं दी गई। दोस्तों, इसके अलावा और भी आने वाले दिनों में एफस्टार 76 डिग्री सी बैंड सैटेलाइट पर और भी आपको काफ़ी सारे जो है वो सैटेलाइट पर इस सैटेलाइट पर आपको काफ़ी सारे चैनल जो है वो देखने को मिलेंगे। बहुत सारे दोस्त सवाल पूछ रहे थे कि क्या इस पर ANX पैकेज जो है वो क्या ऑफ हो जाएगा। तो ये सैटेलाइट की जो है अंदरूनी मामला होते हैं, इसके बारे में हमें कोई ख़बर नहीं होती कि कौन सा चैनल जो है वो कब जो है वो सैटेलाइट से रिमूव हो जाए और किसी और जगह पर जो है वो शिफ्ट हो जाए। एक और बात भी मैं आपको बताता चलूँ कि इस पर एफस्टार 76 डिग्री सी बैंड सैटेलाइट पर जितना भी AXN पैकेज है वो आप फार एवर रिसीवर के थ्रू ही देख सकते हैं। मेरे एक दोस्त ने सवाल पूछा था कि इस सैटेलाइट को चलाने के लिए हमारे पास रेल कितने फुट की डिश जो है वो होनी चाहिए। दोस्तों, एक होता है कम से कम, एक होता है ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन हमें चाहिए होता है दरमियाना। अगर आप एफस्टार 76 डिग्री सी बैंड सैटेलाइट के मुकम्मल चैनल देखना चाहते हैं तो आपको कम बेस जो है 5 फीट की डिश जो है वो आपको लिए ज़रूरी है। लेकिन ये होता ही है कि 4 फीट डिश पर भी कुछ चैनल आ जाते हैं, लेकिन अगर आप मुकम्मल ये चैनल देखना चाहते हैं एफस्टार 76 डिग्री सी बैंड सैटेलाइट के तो आपके पास 5 फीट डिश काम होना जो है वो ज़रूरी है। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आई होगी और आपने अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगी बेल के आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।